बायोग्राफी में आज हम बात करेंगे राजपाल यादव की। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन जो अपने बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। हम उनकी इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में उनके एयरपोर्ट लुक और बिहेवियर को फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 16 मार्च 1971 को हुआ। राजपाल यादव अपने 5 भाई और बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके परिवार की आय खेती किसानी से होती थी। उनके दिमाग में एक्टिंग का शौक बचपन से ही पल रहा था, जिसके कारण उनका गांव में लोग मजाक भी उड़ाया करते थे। बता दें, राजपाल यादव ने एक्टिंग की शुरुआत 1999 में टीवी पर छोटे मोटे रोल करके की थी, जहां उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। साल 2000 में उन्हें राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म जंगल में एक छोटा सा रोल दिया, जो एक गैंग के मेंबर के रूप में था, जिसे राजपाल ने बड़ी शिद्दत से निभाया और अपने एक्टिंग की छाप छोड़ी। इस रोल से उन्हें हर कोई नोटिस करने लगा और उनकी पहचान धीरे धीरे बनने लगी। साथ ही फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। हालांकि कॉमेडी फिल्म चुपके में उनके एक्टिंग करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई। छोटा पंडित के रोल ने उन्हें अपनी अलग पहचान दिलाई। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने अनेक दर्शकों के बीच बहुत अधिक उन्हें पॉपुलर बना दिया। चुप चुपके की सक्सेस ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान उनकी ओर खींचा और उनको फिल्मों के ऑफर भर भर के आने लगे। राजपाल ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा, जैसे कि हंगामा, फिर हेरा फेरी, ढोल, भूल भुलैया और मैं, मेरी पत्नी और वो जैसे फिल्मों में अधिकतर हास्य भूमिकाएं निभाई और अपनी अलग ही पहचान बनाई। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो राजपाल ने अपने जीवन में 2 शादियां की। उनकी पहली शादी करुणा से हुई। बीमारी के कारण करुणा का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी जिंदगी में राधा आई, जो उन्हें एक सफर के दौरान कनाडा में मिली थी। इस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 10 जून 2003 को परिवार की मौजूदगी में उनकी शादी हुई। इनकी 2 बेटियां हर्षिता और रेहांशी है। राधा ने राजपाल का हमेशा साथ दिया। जब राजपाल एक विवाद में फंस गए, उन्होंने आर्थिक और अनेक विषम परिस्थितियों में हमेशा राजपाल के साथ खड़ी रही। फिल्मी दुनिया में राजपाल से जुड़ा एक विवाद भी है, जिसके कारण उनके करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। उन पर एक दिल्ली के बिजनेसमैन से लिया गया उधार वापस ना कर पाने का आरोप लगा और उन्हें इस आरोप में कोर्ट से दोषी भी ठहराया गया। साथ ही 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण उनका करियर पर भी असर पड़ा। इससे उभरने के बाद उन्होंने फिर से वापसी की और अपने दर्शकों से, अपने कॉमेडी से दिल जीत लिए। अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।